आज मैं चिकन कोरमा बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर 750 ग्राम चिकन है, बोनलेस है, थोड़ा सा हड्डी, लेकिन ये बोनलेस है। और मैं इसमें घी और तेल दोनों मिक्स करके ली हूँ, कम से कम ये 6 चम्मच, बड़ा चम्मच है। अब मैं ये प्याज, 2 प्याज काटी हूँ मीडियम साइज का। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, ये सबको अच्छी तरह से फ्राई करके, अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लूँगी। देखिए प्याज ब्राउन हो गया है, अब मैं प्याज को निकाल लेती हूँ। अब थोड़ा प्याज मैं इसी में छोड़ दूंगी, इसमें चिकन फ्राई करना है। अब मैं ये चिकन को इसमें डालकर इसे फ्राई करूंगी। तो फिर चिकन का स्मेल चला ना जाए, तो इसी तरह से इसमें फ्राई करूंगी। ये सारा गरम मसाला को मैं फ्राई करके पीस के तब चिकन में डालना है। उसके लिए मैं जावित्री 1/2 टीस्पून ली हूँ, 20 मैं काली मिर्च और 3 टुकड़े मैं दालचीनी ली हूँ, और 6-7 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 बड़ा चम्मच जीरा है, और इधर 10 लौंग है। ये सबको मैं पीस लूँगी, और ये दोनों को नहीं पीसना है, इसको नहीं फ्राई नहीं करना है, इसको मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। इधर मेरा चिकन भी फ्राई हो रहा है। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और कितने अच्छे से लाल लाल दिख रहा है। अब इसमें मैं 1.5 चम्मच बड़ा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, और इसे भी डालकर इसको भून लेना है जब तक अदरक लहसुन का स्मेल ना चला जाए। सब मसाले को मैं पीस लेती हूँ। अदरक लहसुन जो डाले थे अच्छी तरह से ये भुना गया है। अब इसमें मैं मसाला डालूंगी, ये 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है, इसे मैं डाल देती हूँ। ये कश्मीरी मिर्च है 1.5 चम्मच, छोटा चम्मच से मैं 1.5 चम्मच ली हूँ। यहाँ 1 छोटा चम्मच में लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, और आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिएगा। और इसमें जो मैं गरम मसाला जो मैं पीसी थी उसे मैं सब नहीं डालना है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून ये गरम मसाला डाल दूँगी। अब इसे भून लीजिए, इसको भुनना है को धीमी आंच पर जब तक ये चिकन गले ना। ये देखिए भुन रहा है, कितना अच्छा कलर दिख रहा है, लाल लाल स्मेल भी बहुत अच्छे आ रहा है इसका। अब इसको यहाँ छोड़ के अब देखिए यहाँ मैं 10 काजू ली हूँ, ऐसा होल काजू आप लीजिएगा, अगर आपके पास टुकड़ा होगा तो 20 लीजिएगा। इधर मैं 20 बादाम ली हूँ, 2 बड़े चम्मच ये कोकोनट का पाउडर ली हूँ, नारियल का पाउडर, ये सबको मैं पीस लेती हूँ। देखिए चिकन अच्छी तरह से भून गया। अब इसमें जो मैं काजू बादाम और नारियल का जो बुरादा पीसे थे उसे मैं डाल देती हूँ, इसे भी डालकर भुनना है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ मैं दही ली हूँ, मैं 4 बड़े चम्मच दही ली, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और इसके साथ जो मैं प्याज ब्राउन की थी ये प्याज डालकर इसे मैं पीस लूँगी। ये जो प्याज और दही पीसे थे अब मैं इसे डाल देती हूँ, इसे भी डालकर इसको मिला लीजिए। अगर आपको ग्रेवी चाहिए ज़्यादा तो इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिएगा, मैं इसे थोड़ा भून लेती हूँ तब थोड़ा इसमें ग्रेवी डालूँगी। देखिए चिकन कोरमा तैयार हो गया है, ये देख तेल देखिए कितना अच्छा से अलग हो गया है, और चिकन भी गल गया मसाला। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो इसमें आप पानी डाल सकते हैं।